हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेडफेक्ट एकेडमी में। मैं हूं श्रीकांत राय और आज का जो वीडियो है चरणवीय शिक्षक बहाली का जो सेकंड चरण की जो काउंसलिंग चल रही है उसको लेकर के है, जहां पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो है 4 अगस्त जो है 2021 है और आज के दिन जो काउंसलिंग होनी है वो मैथ साइंस और लैंग्वेज की होनी है, यानी कि 6 से 8 वर्ग के लिए मैथ साइंस और लैंग्वेज की काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर जो है आज जो है कट ऑफ बताने जा रहे हैं आपको कि जो है कितना अनुमानित कट ऑफ जो है जा सकता है मैथ और साइंस में और लैंग्वेज पेपर्स के लिए कैटेगरी वाइज। एक अंदाजा है कि जो पहले की जो काउंसलिंग हो चुकी है उनके आधार पे मतलब ये अनुमान आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि आज नहीं हो पाएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैथ और साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैथ और साइंस का जो क्राइटेरिया है, अगर आप जो है ये मान के चलिए कि जैसे आप जो है कैमूर है, सासाराम है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, अगर इन क्षेत्रों में मैथ और साइंस की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जो है 70 अंक तक आपका मेरिट बनता है, 70 अंक तक अगर आपका मेरिट बनता है, ठीक है, कहीं कहीं ये आपका जो है 70 से कम भी हो सकता है, यानी 69, 68, 67 ये भी हो सकता है। यानी कि खासतौर से अगर देखा जाए, अगर आपका 70 मेरिट बनता है तो खासतौर से कैमूर साइड में, सासाराम में, आरा में, बक्सर में, पटना में 70 तक के मेरिट के अभ्यर्थियों का ये हो सकता है। और अगर आपका 70 से कम मेरिट बनता है तो UR कैटेगरी का ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 70 से कम के मेरिट बनता है तो आप फिर जो है आप शिफ्ट हो जाइए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, है ना, इस साइड में आप चले जाइए या फिर आप गया साइड चले जाइए अगर वहां 70 से आपका कम मेरिट है। तो ये मैथ और साइंस के लिए था UR कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं कि जो है BC है, EBC है, इनका जो है मेरिट क्या रहेगा, इनका लगभग इक्विवेलेंट ही रहता है। तो इनका मेरिट यह है कि मैथ और साइंस में जो सिलेक्शन का जो बेसिस है वो भी जो है मुझे ये लग रहा है कि जो है कैमूर, सासाराम, बक्सर, आरा, पटना में जो है 70% तक रहेगा मैथ और साइंस में, और ये 65 तक भी जा सकता है, यानी 65 से 70 के बीच में ये संभावना है कि यहाँ पर सिलेक्शन सेकंड फेज में जो है मैथ और साइंस में 6 to 8 में होगा, यानी पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, सासाराम में जो है 70 से 65 के बीच जो है रह सकता है। अगर इससे कम मेरिट है EBC और BC कैटेगरी में मैथ और साइंस को लेकर के, तो फिर आप जो है इधर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, इधर साइड में आप जा सकते हैं, गोपालगंज है, चाहे आपका नालंदा है, नवादा है, अगर आपका मेरिट जो है 65 या 65 से कम बन रहा है मैथ एंड साइंस में, तो EBC BC कैटेगरी के लोग उधर जाएं, वहां पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो मैथ और साइंस का जो मेरिट रहेगा वो आपका ये मान के चलिए कि आपका 65 से शुरू होगा, यानी 65 से जो है कम ही रहेगा, 65 से ही शुरू होगा, 65 से नीचे तक जो है जाएगा, यानी कि 65 से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं 70 आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये मैथ और साइंस का था। लैंग्वेज का बात कर लेते हैं, तो लैंग्वेज में आपका UR का जो कैटेगरी का जो कट ऑफ आज जो है जाएगा वो ये मान के चलिए कि पूरा बिहार का बात हम कर रहे हैं कि UR में लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो तो वो जो कैटेगरी आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 70 से 65 से नीचे जाएगी, मतलब 70 में 3-4 अभ्यर्थियों का देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ये 65 से नीचे ही कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 65 से हमेशा जो है लैंग्वेज की 6 से 8 की जो है UR कैटेगरी में नीचे जाएगी। VC और EBC की जो कैटेगरी है उसमें जो लैंग्वेज का जो कट ऑफ आज जो है जाने की उम्मीद है वो भी आपका जो है 65 से जो है करीबन ये आपका जो है 55 तक जा सकता है। BC में 65 से 55 तक जा सकता है, और यही जो है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में जो है उससे भी नीचे चला जाएगा, ये 65 से जो है 50 से नीचे भी जा सकता है लैंग्वेज में, ये कहीं भी मतलब सेकेंड फेज में बता रहे हैं आपको। तो उम्मीद है कि ये अनुमान आपको जो है समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है घर में बैठिएगा, आप लोग जो है अगर इस मेरिट के बीच में आते हैं तो आप जाके काउंसलिंग सेंटर पे वहां पे जो है प्रेजेंट रहिए और काउंसलिंग कराइए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच के नहीं जाते हैं कि मेरा मेरिट काम है, मेरा नहीं होगा। तो मेरे की वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।